अब नदियों में पीओपी और सीमेंट से बनी मूर्तियां नहीं बहाई जाएंगी। जल जीवन मिशन को ध्यान में रखते हुए ये आदेश सेक्शन 51 के तहत जारी किया गया है। एसडीएम मंडी ऋतिका जिंदल ने बताया कि अब पीओपी और सीमेंट से बनी मूर्तियां विसर्जित करना कानूनी अपराध माना जाएगा। उन्होंने कहा कि एनजीटी की गाइडलाइन के बाद अब जिला प्रशासन मंडी ने भी इस कानून को लागू कर दिया है। उन्होंने कहा कि जल प्रदूषण और जल जीवन को ध्यान में रखते हुए अब केवल मिट्टी से बनी मूर्तियां ही विसर्जित की जाएंगी। विभिन्न त्योहारों जैसे छठ पूजा, गणेश विसर्जन और दुर्गा विसर्जन में अब पीओपी और सीमेंट से बनी मूर्तियां मान्य नहीं होंगी, क्योंकि ये ऐसे पदार्थ हैं जिनसे जल प्रदूषित होता है। एसडीएम ने लोगों से अपील की है कि सभी एनजीटी की गाइडलाइंस का पालन करें, और अगर कोई इस गाइडलाइन का पालन नहीं करता है तो उसे 50,000 रुपए जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो उसके उपलक्ष्य में एक नई डायरेक्शन है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल से बनी हुई मूर्तियां जो हैं वो यूज ना हो, जैसे कि पीओपी है मान लीजिए, कोई सीमेंट है या ऐसा कोई प्लास्टिक से बनी हुई जो चीज़ें हैं या केमिकल ऐसे जो यूज़ किए गए हैं, ताकि वो एक्वाटिक लाइफ यानी कि जो नदी में जो लाइफ है दैट इज़ मछलियाँ एक्सेट्रा, उसके प्लांट्स जो हैं वो ख़राब ना हो, और वो जो पानी है जनरली वो ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज़ होता है, नदियों का पानी जिसमें हम अपनी मूर्तियों को विसर्जित करते हैं, तो वो केमिकल से कैंसर इत्यादि जो हैं बीमारियां फैलती हैं, ऐसे जो हैं हम केमिकल्स का जब उपयोग करते हैं, तो इसलिए जो सिर्फ बायोडिग्रेडेबल से बनी हुई मूर्तियां, आप पत्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, आप फ्लावर्स का प्रयोग कर सकते हैं, आप आटे का प्रयोग कर सकते हैं, बेसन, इस टाइप की जो चीज़ें हैं जो बायोडिग्रेडेबल यानी जो नेचुरल तत्वों से बनी हुई चीज़ें हैं, जो नेचुरल नेचर से रिलेटेड हैं, ताकि वो जो हैं जब नदी में बहाते तो वो मैन्योर बन जाती हैं, तो केमिकल सिंथेटिक डाइस इन चीज़ों का जो है वो प्रयोग आप ना करें। आने वाले त्योहारों में इसलिए ये डायरेक्शन दी जा रही है कि आने वाले जो भी जितने भी हमारे मूर्तिकार हैं, जो भी सोसाइटीज़ हैं, जो भी लोग घरों में अपने मूर्ति पूजा करते हैं जो विसर्जित होती हैं उनका, तो स्पेशली वो सोसाइटीज़, वो ट्रेडर्स, वो मैन्युफैक्चरर्स इन चीज़ों का ध्यान रखें कि अब हमने जो है बायोडिग्रेडेबल नेचुरल बेस्ड जो हैं मूर्तियाँ उस टाइप की तरफ जाना है, ताकि हम अपने वातावरण को, अपनी नदियों को जो है वो शुद्ध जो है वो रख पाएं, जो हमारे भी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो इस चीज़ का आप खास ध्यान रखें। एनजीटी का ऑर्डर है, दैट इज़ नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, अगर इन डायरेक्शंस की कोई भी वायलेशन करता है तो उसको 50,000 रुपये का फाइन है। तो अभी तो अपील है, इसमें फ़ाइन के क्या का भी प्रावधान है जो कि स्ट्रिक्टली एनफोर्स किया जाएगा। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जो है वो इस चीज़ का खास जो है ध्यान रख रहे हैं। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें, विश्वकर्मा पूजा, गणेश चतुर्थी, दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ पूजा, सरस्वती पूजा, ऐसे बहुत अन्य ओकेजन्स हैं जहाँ पे जो है वो मूर्ति विसर्जन किया जाता है। तो स्पेशली जो है मर्करी, क्रोमियम, लेड ऐसी चीज़ों का जो है पदार्थ ना किया जाए, थर्मोकॉल है ना, प्लास्टर ऑफ पैरिस, तो इन सब का जो है निषेध है, प्रतिबंध है इन सब चीज़ों को यूज़ करने में। तो हम चाहते हैं कि आप सब लोग जो है बायोडिग्रेडेबल चीज़ों का ही इस्तेमाल करें, पत्तियों का, फ्लावर्स का, फ्रूट्स का, उससे भी आप जो है वो बना सकते हैं मूर्तियाँ। सो आजकल तो काफ़ी इनोवेशन है, बहुत सारे लोग नए नए इनोवेशन लेके आ रहे हैं, तो इसलिए हमारी आपसे अपील है, प्रार्थना है कि आप जो है अपने पर्यावरण का ध्यान रखें और अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। धन्यवाद। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए मंडी से विप्लव सकलानी की रिपोर्ट।